ख्वाजा साहब बैठिए, तशरीफ रखिए। मजा आ गया कैलाशो। अच्छा, मजा आ गया। बेचारा दिन भर घर घर फिरता रहा, लेकिन कोई भी किसान उसकी मदद करने को राजी नहीं हुआ। अरे लोगों ने तो अपने दरवाजे तक बंद कर दिए, जैसे कोई हो। सब आपके कारिंदों का कमाल है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं दिखता वो इतनी जल्द हार मानेगा। क्यों? अरे वो तो कह रहा था कि मैं बड़ा जिद्दी हूँ ख्वाजा साहब, जो भी काम मैं हाथ में लेता हूँ बस पूरा करके ही छोड़ता हूँ। अरे स्कूल के लिए बोर्ड भी लिख रहा था। उसे क्या फर्क पड़ता है? अरे जब लड़के नहीं जाएंगे तो ताका करे अपने बोर्ड को सारा दिन। तुम भी गदब हो के लाजू। देखा मैं कैसे गिरने वाला था धड़ाम से। आओ आओ मेरे पास आओ। तुम लोग कहानी सुनोगे? मुझे बहुत सी कहानी आती है। अच्छा मैं तुम लोगों को परी की कहानी सुनाता हूं, परियों की रानी की कहानी, जो बर्फ के महल में रहती थी, इन देवदार के पेड़ों से ऊपर। पेड़ों से क्या, इन पहाड़ों से भी ऊपर, बादलों के पीछे एक देश में, जहां चारों तरफ चांदी की सी बर्फ फैली रहती थी, वहां बस परियां ही रहती थी। चांदी के सफेद तारों से बुने हुए कपड़े थे उनके, ये लंबे, जो उड़ते वक्त उनके पंख बन जाया करते थे। अरे आओ आओ तुम लोग भी इधर आओ। अब मैं इतनी ऊंची आवाज में बात करूंगा, कहानी सुनाऊंगा तो मेरा गला बैठ जाएगा। आओ आओ। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें क्या कह रहा था? हां, चांदी के सफेद तारों से बुने हुए कपड़े थे उनके, जो उड़ते वक्त उनके पंख बन जाया करते थे। तुमने ऊपर झील में हंसों को देखा है? कैसे उड़ते हैं वो? बस वैसे ही पंख थे उनके। उन परियों की एक रानी थी, जो उन सब परियों से कहीं ज्यादा सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे रंग के थे,
बिल्कुल सोने के टा। अरे चुपचाप मुझे सब बहुत नाराज है तुम लोगों से। आओ ले रहा हूं तू आजो आजो बैठो। तुम मुझे साफ साफ बताओ तुम्हें इस गांव में रहना है कि नहीं। हमसे ऐसी कौन सी खता हुई मालिक की आप ऐसी बात कर रहे हैं। तुमने अपने बच्चे मेरी हिदायत के बगैर उस मास्टर के पास भेज दिए और कहते हो कि हमसे ऐसी कौन सी खता हुई। किसने ऐसा जुर्म किया है मालिक। तुमने नूरे तुम बताओ बताओ ने। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम सबके लड़के उस मास्टर के मकतब में मौजूद थे दिन भर मौजूद थे और तुम्हारी भेड़ बकरियां वहां दूसरों के खेतों में दर बदर फिर रही थी। ये झूठ है मालिक। मैं अपने पोतों पर उस मास्टर का साया भी पड़ने ना दूं उसके मकतब में भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं है? ये इरजात का तारे बैठा इससे पूछ के देख लो इसके दोनों बेटे वहां मौजूद थे। अरे बेवकूफ वो तुम्हारे बच्चों को वर्ग ला रहा है और तुम्हारी खोपड़ी में ये मामूली सी बात भी नहीं आती। आप यकीन कीजिए मालिक मैंने अपने दोनों बेटों को समझा दिया है कि वो उस मास्टर के मकतब के पास से भी ना गुजरें। अगर इस नूर मोहम्मद की बात सच निकली तो मैं उन दोनों की चमड़ी उधेड़ दूंगा। मुझे ये बताओ मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? इस वक्त ये बात मैं तुम लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम लोगों को उस मास्टर से खबरदार करना चाहता हूं। देखो तुम्हारे वो बच्चे मकतब में जाके अपना वक्त जाया करें अपनी बर्बादी करें हाँ? और तुम्हारे खेत कौन जोतेगा? खेत नहीं जोतोगे तो कमाओगे क्या? और इस कैलाजू के कर्जे को कैसे उतारोगे? हाँ, बोलो बोलो। भूखे मर जाओगे तुम भूखे मर जाओगे। हम सब समझते हैं ख्वाजा साहब सब समझते हैं। हम अभी जाकर इन बच्चों की खबर लेंगे। आज तक जो बात मैंने नहीं कही थी वो भी बताए। जाने दीजिए ख्वाजा साहब जाने दीजिए ये सब समझते हैं। आखिर इन्हें रहना तो आपके साई तले है आप इनका बुरा थोड़े ही चाहेंगे। बोलो ये तुम्हारा बुरा चाहेंगे क्या? सुनो बेवकूफो ये मास्टर क्रिस्टानो के स्कूल में पढ़ा है। मुझे पता चला है कि उन्होंने ही इसे यहां भेजा है ईसाईयत फैलाने के लिए। नारायण ये तो मैंने भी सुना लेकिन वो रोज मंदिर में फूल चढ़ाने जाता है मैंने भी कई बार देखा है। ढोंगी है वो पाखंडी है। उसका असली मकसद तो हमारे बच्चों को क्रिस्तान बनाने का है। मंदिर तो वो तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जाता है। अब समझे मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था इसलिए इस वक्त तक खामोश था मैं। अब जाओ और जाकर अपने बच्चों को समझाओ। नूरे नीचे जाकर दरवाजा खोल दे सीढ़ियों पर अंधेरा है बेचारे कहीं गिर न जाए। ठीक है चलो उठो चलो निकलो चलो चलो। ये बच्चों को किस्तान बनाने का नुक्ता अच्छा निकाला आपने भैया साहब जवाब नहीं आपका तीर एकदम निशाने पे जाके बैठा देखा नहीं देखा नहीं कैसे सहम गए थे बेचारे बोल बोलता क्या है कि नहीं क्यों गया था उस मकतब में? मैं नहीं गया था बाबा मैं दूर बैठा तमाशा देख रहा था। फिर झूठ बोल रहा है मैंने कहा था ना कि उस तरफ आंखें उठाकर भी मत देखना फिर वहाँ कहाँ मरने के लिए गया था? हाँ है मार ही डालो इस बेचारे को पता नहीं उस जानदार ने क्या पट्टी पढ़ाई है कि तुम इन मासूमों की जान ही लेकर आओगे। चुप रहो मैं आज इन्हें वाकई जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम नहीं जानती वो मास्टर एक जादूगर है मीठी मीठी बातें करके इन बच्चों को भरगला देगा जादू कर देगा इन पर। बोल क्यों क्या था माँ तुम दोनों तो मेरी जान ही लेकर होगे। तुम इन दोनों से कह दो कि अगर आज के बाद मैंने इन दोनों को वहां जाते देखा तो टांगे तोड़ दूंगा इनकी। तू अपने बेटे को समझाने के बजाय यूं मुंह भी सोर कर बैठ गई। बेचारे ने बार बार कहा है कि वो मकतब में नहीं गया था लेकिन तुम उसे पीटे ही जा रहे थे। आज तो वो मकतब के आंगन में गया है कल मकतब के अंदर जाएगा
और तुझे पता भी नहीं चलेगा जब वो क्रिश्चियन बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, उस जेलदार ने कहा और तुमने मान लिया। कैलाश चू भी वहीं बैठा था, उसने भी यही कहा। वो दोनों एक ही थैली के हैं, मैं सब समझती हूँ। धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। तो सुन ले, मैं किसी से नहीं डरती। हे राम, अब इस औरत को कैसे समझाऊं? ओम नमः शिवाय। मुझे तो यकीन नहीं आता, लेकिन कल जब मैं कैलाश जू के वहाँ सामान देने के लिए गया था तो उसने मुझसे कहा कि बिस्को साहब के मदरसे में ईसाई धर्म की तालीम दी जाती है और ये उसी स्कूल में पढ़ा है। त्राही त्राही, इसी को ही कलयुग कहते हैं माधव जू, अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता है। त्राही त्राही। सच मानो माधव जू, मुझे तो इस कैलाश जी की बातों पर कोई विश्वास नहीं। अब उसे रातों रात ये खबर किसने आकर दी होगी? हाँ भाई, ये तो सोचने की बात है। वैसे पहले यहाँ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो कुछ भी हो, हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। अब ये भी सही है, जमाना उल्टा आ गया। पूरा एक महीना हो गया होगा, लेकिन मैंने उसे कभी मंदिर में आते नहीं देखा। वैसे सच पूछो तो मैंने अपने घर की खिड़की से उसको कई बार स्नान और संध्या करते हुए देखा है। देखो, वो शायद मंदिर में घुस आया है। अनर्थ, घोर अनर्थ। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे देवों के देव, हे महादेव, मेरी सहायता करो। ये लोग घोर अंधकार में फंसे हुए, इन्हें इस तारीकी इस काल कोठरी से मुक्ति दो, जैसे आपने कंस के कारागार से देवकी और वासुदेव को मुक्ति दिलाई थी। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे यहां से निराश करके मत भेजिएगा। प्रणाम महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे बिना पूछे ही मैं आपके मंदिर में चला आया। अरे ये भगवान का घर है, इसके दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। आज आपको यहाँ पहली बार देखा है। देखिए, भोले शंकर जी ने कैसी कृपा की है कि आप जैसे भद्र पुरुषों के दर्शन हो गए। आपका गीता का पाठ सुनकर तो मन अति प्रसन्न हुआ। गीता का पाठ सुनकर किसका मन प्रसन्न नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूं, मैं आप लोगों की नित्य क्रिया में बाधा नहीं डालना चाहता। प्रणाम। प्रणाम। हे महाप्रभु, हम सब अनजान हैं, हमें क्षमा कर, हम पर दया कर। क्या कह रहे थे तुम मही पंडित कि ये यहां हमारे बच्चों को क्रिस्टान बनाने आया है, हैं? अब मैं क्या जानू, कैलाश जू ही कह रहा था। मैंने कहा ना कि मुझे उस कैलाश जू की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। अब जाने दो, जो है सो है। ये पंडित हुआ ईसाई, गांव वालों ने जो फैसला किया है उसे तो मानना ही पड़ेगा। गुरुजी, अब यह झगड़ा हमें यहाँ मंदिर में ही निपटाना है। चलिए, पूजा आरती का वक्त हो रहा है। हरिओम।
गणपती, ये लो टीका लगाओ। सदा सौभाग्यवती भवा, ये लो गड़वी रख लो। अरे यार हा 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 हा। क्या बात है, आज मंदिर में काफी देर लग गई। आज दुविधा में पड़ गए थे। बस इस नीलकंठ के बारे में ही बातें होती रही, मालूम नहीं सच क्या है और झूठ क्या। मुझे तो बेचारा बहुत भोला भाला और शरीफ दिखता है। मालूम है आज क्या हुआ? आज वो हमसे पहले ही मंदिर पहुंच चुका था और गीता के पाठ में इतना मगन था कि उसे हमारे आने का पता ही नहीं चला। और तुम लोग तो बोलते थे कि वो क्रिस्टान है। मैं नहीं, वो जैलदार और कैलाजू कह रहे थे। मैं तो समझती थी कि तुम आम लोगों से ज्यादा समझदार हो। इतनी सी बात नहीं समझते कि वो दोनों नहीं चाहते कि यहाँ मदरसा खुले। अगर लोग पढ़ लिख गए ना तो कैलाश जू की तो कलाई खुल जाएगी। याद नहीं अपनी ये छोटी सी दुकान खुलते वक्त 50 रुपए के लिए उसने ये घर गिरवी रखने को कह दिया था? याद है कुने, सब याद है। तो तुम उस बेचारे नीलकंठ की मदद क्यों नहीं करते? वो अगर यहाँ मदरसा नहीं खोल पाया ना तो बेचारे की नौकरी चली जाएगी। पता नहीं बेचारे पर कौन सी मुसीबत आ गई होगी जो वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ चला आया है। अब तुम ही बताओ मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ, बोलो। वो अपना खाना खुद पकाता है, वो झाड़ू खुद मारता है, अपने कपड़े खुद धोता है वो बेचारा। तो तुम उसका खाना पकाया करो। पकाया आया करती, पर तुम्हारी इस गांव की बिरादरी का क्या करूं? इसी बात का तो रोना है। सुनिए जी, एक काम करेंगे आप? क्या? आज पूर्णमासी है। हाँ वो तो है। एक पुण्य का काम कर दीजिए, मैं थोड़ा सा भात और थोड़ी सी सब्जी बांध कर देती हूँ, उस बिचारे को जाकर दे आइए। वो तो मैं दे आता कुनी, लेकिन अगर उस जैलदार को पता चल गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों, वो उसके यहाँ रोज रसद नहीं भेजता है? मैं अभी बांध के देती हूँ, बस चिड़ियों को थोड़ा चावल डाल दूं, फिर पहला काम यही करूंगी। ठीक है, तुम कहती हो तो दे आता हूं, बांध लो। मुझे अंदर आने की आज्ञा है। अरे आप आइए 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 ना। नहीं उतनी फुर्सत नहीं है, और फिर दुकान भी खोलनी है। कहिए आपने कैसे कष्ट किया? ये थोड़ा सा खाना है, मेरी घरवाली ने भेजा है। आज पूर्णमासी है ना, इसलिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज खाना पकाने से छुट्टी मिल गई मुझे। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, बैठिए। अच्छा आज सुबह मंदिर में मिले थे। मेरा नाम माधव जू है। इस गांव के लोग मुझे अपनाएं या ना अपनाएं, मुझसे बात करें या ना करें, लेकिन मैंने इस एक महीने में इस सारे गांव के लोगों के नाम जान लिए। मैंने आपकी दुकान भी देखी है। आज सुबह कितना मन प्रसन्न हुआ, यकीन मानिए ऐसा गीता का पाठ मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं तो मंदिर जाने से भी डरता था, मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। आप तो पढ़े लिखे दिखते हैं। बस अपना हिसाब भर रखने के लिए 2-4 लकीरें मार लेता हूं, 2 वक्त की रोकी सुखी कमाने के लिए काफी है ना। अगर गांव के ये लोग आप ही की तरह 2-4 लकीरें मारना सीख जाते तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलती। अब क्या बताऊं बेटे, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा, सदियों का अंधेरा। मैं जानता हूं इस अंधेरे को मिटाने के लिए
बहुत वक्त चाहिए, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आज मैं कितना खुश हूं। इस गांव में आप पहले आदमी हैं जो खुद चल के मेरे पास आए हैं। अगर इसी तरह से आप अपने बच्चों को भी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते तो मेरी मुश्किल आसान हो जाती। मैं यहाँ पर सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं वाकई यहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मैं बेबस हूँ। अगर मेरी अपनी कोई औलाद होती तो मैं उसे अब तक तुम्हारे पास भेज चुका होता। अगर भगवान की तुम पर कृपा दृष्टि बनी रही तो तुम देख लेना, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। फिलहाल तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, अब मैं चलता हूं, दुकान भी खोलनी है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर कह देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए नहीं कि आप मेरे लिए खाना लेकर आए, बल्कि इसलिए कि आपने यहां आकर मुझे जानने और समझने की कोशिश की। चलता हूं। उजड़े गांव में कहां अपना सर फोड़ने आ गए? तुम यहां अपना वक्त ही नहीं अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हो। जा, वापस लौट जा नीलकंठ, वापस लौट जा। दिन गए बहार के, ये साए देवदार के, ये साए प्रेम प्यार के।